गायत्री पापनाशिनी है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री की साधना करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रातःकाल जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है वो रात में किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। सायंकाल गायत्री की साधना करने से दिन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति दोनों समय गायत्री की साधना करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन पापों की अपनी एक श्रेणी होती है। ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि हम इतने पापी हैं, हम तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, क्या हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जब आप जाप करेंगे तभी तो आपकी अंदर की बुराइयां दूर होंगी, अन्यथा बुराइयां दूर होंगी कैसे। कई लोगों का प्रश्न होता है कि आचार्य जी, हम तो मांस मदिरा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, व्यसन करते हैं, तो क्या हम गायत्री की साधना कर सकते हैं। यदि आपका कपड़ा मैला है तो उसको साबुन की जरूरत पड़ेगी। बगैर साबुन के आपका कपड़ा साफ नहीं हो सकता है। आप सोचें कि हमारा कपड़ा ऐसी साफ हो जाए, साबुन की जरूरत नहीं है, तो कैसे साफ होगा। कपड़े मैले हैं इसलिए साबुन की फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ी, इसलिए साबुन बनाने की जरूरत पड़ी। व्यक्ति के अंदर अनंत बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए ही गायत्री मंत्र है। तो जब तक आप गायत्री की साधना नहीं करेंगे, जब तक आप उस साबुन रूपी मंत्र को अपने कपड़े पर नहीं घिसेंगे, अपनी आत्मा पर नहीं घिसेंगे, तब तक वो बुराइयां दूर कैसे होंगी। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। उत्कृष्टता की साधना मानी जाती है गायत्री की। और जैसी व्यक्ति के अंदर विवेक आता है तो फिर उस इन सब सारी चीज़ों से वो उसको अरुचि होने लगती है और वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जाती हैं। इसलिए इस प्रकार का मन में विचार लाना कि हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, हम बहुत बड़े पापी, हमको गायत्री मंत्र जपना चाहिए, नहीं जपना चाहिए। गायत्री मंत्र उसी साबुन के समान है जो मैले कपड़े को साफ करता है। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र आपके अंदर के जितने भी मैल हैं उन सबको दूर निकाल देता है और आपके अंदर उत्कृष्टता पैदा करता है, आपके व्यक्तित्व को बदलता है, आपके विचारों को बदलता है। पाप पुण्य की परिभाषा अलग अलग होती है। हम सोचते हैं कि हमने इतने पाप किए हैं, पता नहीं हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। ऐसे इतिहास में कितने उदाहरण हैं जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े पाप किए लेकिन बाद में उन्होंने जब साधना उपासना की तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा, चांडाल थे, लेकिन जब उन्होंने सप्त ऋषियों से गुरु दीक्षा लेकर के राम राम जपना चालू किया तब उन्होंने रामायण की रचना की, वो ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन जब उन्होंने गायत्री की साधना की तो वो महान ऋषि कहलाए, वो भी ब्राह्मण बन गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं, संत कबीर हैं, रैदास हैं, मीरा हैं, लेकिन इन्होंने अपनी उत्कृष्टता को ईश्वर भजन से ऊपर पहुंचाया। कभी कभी जो चीज हमें लगती है कि ये गलत कर्म है, ये पाप है, वही वो चीज पुण्य भी होती है। आप यदि किसी व्यक्ति का मर्डर कर दें तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति सीमा पर अपने देश की सुरक्षा करता है,
और वो पता नहीं कितने लोगों को मार डालता है, लेकिन वो सम्मानित होता है। एक जगह वही कृत्य जो है वो आपके लिए पाप कहलाता है, दूसरी जगह वही कृत्य आपका जो है पुण्य कहलाता है। एक जज किसी को फांसी की सजा देता है और जल्लाद उसको फांसी पर लटकाता है तो वो पाप नहीं कहलाता, वो न्याय संगत होता है। तो कहीं कहीं ये चीजें परिभाषाएं बदल जाती हैं। कुछ पशु पक्षी हैं जो शिकार करके भोजन करते हैं, वो उनका अपना कृत्य है, इसलिए वो पाप की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसके लिए भगवान ने शुद्ध शाकाहारी बनाया है, वो जब पशुओं को मार करके खाता है तो वो पाप होता है। चोरी करना पाप है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी करना जो गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहा है और उसके घर से कोई व्यक्ति चोरी करके और समाज के कल्याण के लिए लगाता है तो वो पाप नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में बरसों से अंधेरा है तो उसको अंधेरे को दूर करने के लिए आपको बरसों तक जो है उजाला करना पड़ेगा। एक दीपक जलाने की आवश्यकता होती है और बरसों का अंधेरा दूर हो जाता है। एक बड़ी प्यारी सी कथा है, बहुत ही अच्छी कहानी है कि एक चित्रकार कवि था, उसके मन में विचार आया कि सृष्टि बड़ी सुंदर है, इसको बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो परमात्मा की खोज में निकल गया। खोजते खोजते वो एक जगह पहुंचा, सूर्य अस्त हो रहा था। एक ग्वाले का बालक एक पत्थर पर बैठ करके बांसुरी बजा रहा था। उस चित्रकार कवि ने देखा कि इससे सुंदर सृष्टि की संरचना नहीं हो सकती है। उस बालक में पूर्ण परमात्मा उसको दिखाई दिया। उसने उस बालक का चित्र बनाया, कविता लिखी और उसका शीर्षक लिखा ईश्वर। काफी समय बीत जाने के पश्चात में जब वो वृद्ध होने लगा तो उसके मन में विचार आया कि जहां भगवान है वहां शैतान भी जरूर होगा। तो शैतान की खोज में निकल पड़ा, बहुत सारे जेलों में गया। अंतोदगत्ता वो एक ऐसे जेल में गया जहां जेलर से उसने जब संपर्क किया तो उसने बताया कि यहां पर एक ऐसा कैदी है जिसने अपने जीवन काल में कम से कम 50 हत्याएं की, छोटे छोटे बच्चों का, जो बच्चा जिसने जन्म लिया उस बच्चे का गला दबाने में भी उसको संकोच नहीं हुआ, बहुत ही कुख्यात अपराधी है। उसको बुलाया गया, उस चित्रकार कवि ने जब उसको देखा तो उसे लगा कि इसके अंदर पूरा शैतान मौजूद है। उसने उसका चित्र बनाया और उसने कविता लिखी और उसका शीर्षक लिखा उसने शैतान। जैसी उसने उस कविता को लिख करके शैतान शब्द लिखा, वो व्यक्ति उसके चरणों पर गिर पड़ा। उस चित्रकार कवि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना खतरनाक व्यक्ति है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, मेरे पैरों पर क्यों गिर रहा है। उसने उसको उठाया और बोले, भाई मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बोले, नहीं आपसे कोई गलती नहीं हुई है। बोले, आज से कुछ वर्ष पूर्व आपने एक छोटे से बच्चे का चित्र बनाया था और उसके शीर्षक में लिखा था ईश्वर, मैं वही बालक हूं। व्यक्ति अपने कृत्यों से ईश्वर भी बन सकता है और पापी भी बन सकता है, ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए गायत्री मंत्र की पूज्य गुरुदेव ने लोगों को प्रेरणा दी है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत करता है, उसके व्यक्तित्व को निखारता है। जिस प्रकार से कि सावन मैल को बाहर कर देता है, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र जो है अंदर व्यक्ति के अंदर के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन हम इसी उहापोह में लगे रहते हैं कि हम तो बुरे आदमी हैं, पता नहीं हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस दिन व्यक्ति गायत्री की शरण में जाता है और गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसके पाप वैसे नष्ट होते हुए चले जाते हैं। इसलिए गायत्री को पाप नाशनी कहा गया है। गायत्री व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट कर देती है।
क्योंकि जैसे ही आपके अंदर विवेक आता है, आपके अंदर अच्छे और बुरे चीज़ों के निर्णय करने की क्षमता आ जाती है। आपको समझ में आने लगता है कि एक काम करूंगा तो गलत है, एक करूंगा तो सही है। तो कल तक आपने क्या किया था उसको आप छोड़ें और गायत्री की शरण में आए, और जिस दिन आप गायत्री की शरण में आकर के उसका नियमित रूप से आप उसकी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का हमारा प्रणाम, हमें आगे दें। नमस्कार। ओम शांति। Thank you.